शुक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय के उन तमाम शिक्षक संगठनों का, शिक्षकों का और विद्यार्थियों का जिन्होंने ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है। और ये बहुत दुखद है इस तरह से बातचीत करना या ये मौका कि ऐसे भी हालात कभी आएंगे अपने एकाडमिक जीवन में जिसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करनी पड़ेगी। मगर अफसोस कि अब ये इस समय भी नहीं बोला गया तो फिर कब बोला जाएगा। हम भी लब न खोले तो फिर बोलेगा कौन। मेरा पहला कहना ये है कि अगर हम यहाँ आ जाए हैं तो ये कोई निजी लड़ाई के लिए नहीं आए। किसी एक व्यक्ति या डॉक्टर लक्ष्मण यादव को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, इससे जो नुकसान हमारा हुआ इस नुकसान की भरपाई के लिए नहीं लड़ने आए। या हम ये कहने यहां नहीं बैठे कि हमें नौकरी दे दी जाए या हम नौकरी मांग रहे। हमारे जैसे और सारे बहुत सारे लोग, कई सौ की संख्या है, जिन्हें हमसे पहले भी निकाला गया और दिल्ली विश्वविद्यालय से निकाला गया, हमसे ज्यादा जो कई वर्षों से पढ़ा रहे थे उनको भी निकाला गया, उसी श्रृंखला में हमें भी निकाला गया। तो ये एक बड़ी जो समस्या या बड़ी चुनौती पूरे विश्वविद्यालय को लेकर है या पूरे शिक्षण संस्थानों को लेकर है, उससे जोड़कर हम अपनी बात, अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। मेरी अपनी बात कहें तो विश्वविद्यालय, हम जानते हैं कि हम लोग इस देश के उस कोने से, उस हिस्से से आए हैं जो शायद अपने कई हजारों साल की विरासत में पहले लोग हैं जो इन विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आ पाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है और कई विकल्प अपने करियर बनाने के जो थे उन सब को छोड़ करके हमने इस विकल्प को चुना कि हम अपनी कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों के बीच रहेंगे और पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे। उसके लिए जितनी भी न्यूनतम पात्रता हो सकती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, उसे पूरा किया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इसे पहले नहीं बताता लेकिन अब बता रहा हूं क्योंकि वो अर्जित किया हुआ है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की। मैं 21.5 साल की उम्र में लगभग जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर अपॉइंट हो गया था। उस समय की एलिजिबिलिटी फुलफिल थी, कर लिया। तो 4-4 महीने पर रिन्यू करते हुए मुझे आज तक तकरीबन 44-45 बार रिन्यूअल मिला है। तो इसका मतलब ये कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा था, मैंने कोई अपने पढ़ाने में कोई कंप्लेन नहीं आने दी, मेरे खिलाफ मेरे कॉलेज में कोई शिकायत नहीं है। मेरे विद्यार्थियों से कभी पूछा गया होगा और निश्चित तौर पर पूछा गया होगा तो शायद कोई मौका नहीं मिला। विश्वविद्यालय को कभी कोई मौका नहीं मिला कि हमारे पढ़ाने में कहीं कोई कमी रही हो। अब उस 14वें साल में, जब जबकि हमें नहीं पता था, हम तो 2010 में आए तो हमें ये पता था कि 1-2 साल में हम परमानेंट हो जाएंगे। हम तो उसके लिए तमाम करियर छोड़कर आए। तो पहला सवाल ये कि 14 साल एडहॉक क्यों रखा गया? मेरे कॉलेज में 2010 के बाद 2023 में पहली बार परमानेंट अपॉइंटमेंट हुआ। तो ये कोई हमारा दोष तो नहीं, इसकी गलती हमारी नहीं, लेकिन इसकी सजा भुगतने के लिए हमने भुगती। हमने विश्वविद्यालय के तमाम लड़ाइयों में, शिक्षक संगठनों ने, दूटा ने लड़ाई लड़ी कि भाई थर्ड अमेंडमेंट आ गया 2016 में, सारे डॉग बाहर हो गए, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी तो हमारी नौकरी बची। सबने मिलकर उसके बाद लड़ाई लड़ी 13 पॉइंट रोस्टर की तो हमारे जैसे तमाम लोगों की नौकरी बची। और वो लड़ाइयां शिक्षक होने के नियम कायदे के भीतर लड़ी गई,
उसमें कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई नियम तोड़ा गया हो या कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए कोई शिकायत कर सके। तो ये लगातार चलता रहा। तो ये विश्वविद्यालय जवाब दे कि इतने दिन हमें क्यों एडहॉक रखा गया। और जब परमानेंट का मौका आया, उस परमानेंट के मौके के पहले 2010-11 में भी हमने परमानेंट के इंटरव्यूज दिए, 2014-15 में भी इंटरव्यूज दिए, लोगों ने नहीं अपॉइंट किया तो हम नहीं कहीं अपॉइंट हुए। जैसे मेरे कॉलेज में जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो एक एक्सपर्ट, और सही समय आएगा तो उनका नाम लेकर के उनके भी कारनामे जाहिर करने की बात करेंगे, जो लोग रिटायर होने के बाद वहां खुदा बन के बैठते हैं और इस भाव में सवाल करते हैं कि मतलब हम आज देखना चाहते हैं कि आप क्या, वो पहला सवाल हमसे कर रहे कि आप आज तक परमानेंट क्यों नहीं हुए, आप कहीं और इंटरव्यू नहीं देते। मैंने कहा कहीं और अगर परमानेंट हो गए होते तो यहां क्यों बैठे होते। और हमारे जितने जगह पे हम इंटरव्यू देते रहे वो लोग तो कहते थे कि आपका कॉलेज बड़ा अच्छा है, आप वहीं परमानेंट हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं किया। फिर वो कह रहे हैं कि आपने क्या क्या, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अपना परिचय दीजिए, परिचय दिया। ये पहला इंटरव्यू मेरा था डिपार्टमेंट के बाद जो तकरीबन 15-20 मिनट चला। उसके पहले 2010-11 में भी, 14-15 में भी हमने जितने इंटरव्यू दिए उसमें से 1.5 मिनट का भी इंटरव्यू दिया है। आप अंदर जाइए, आपसे कहा जाएगा कि अपने बारे में बताइए और फिर शुभकामना दी जाएगी कि जाइए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। अब आप 1.5 मिनट बाद बाहर आ गए। जिस पढ़ाई को पढ़ने में 25 साल हमने लगाए, किताब लिखने, लेख लिखने और जाने क्या क्या किया, उसका परीक्षण 1.5 मिनट में होता है। और वो भी इस सवाल से कि आप अपने बारे में बताइए, पीएचडी का टॉपिक बताइए। मुझसे इंटरव्यूज में पूछे गए, मेरा पीएचडी का काम तुलसीदास पर है, भक्ति आंदोलन पर है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि तुलसीदास को आजकल बड़ा लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर, साहित्य में ट्रोल जैसी भाषा नहीं होती, साहित्य में तो विमर्श होता है। तो उनकी आलोचना भी हुई है, उनके बारे में भी लिखा गया। कहा नहीं नहीं वो साहित्य की बात हम नहीं कर रहे, ये बाहर लोग उनको बड़ा जाति विरोधी कह रहे हैं। फिर मैंने कहा कि वो बाहर की बात अलग है सर, मुझे लगता है कि मुझसे बात साहित्य पर होनी चाहिए, मेरे विषय पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है तुलसीदास जातिवादी हैं। और ये वो लोग पूछ रहे थे जो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या स्टैंड है। लेकिन इंटरव्यू में ये सवाल पूछने के क्या मतलब है? इसका मतलब वो चाहते थे कि इंटरव्यू खराब किया जाए। उनसे कहा, मुझसे कहा जा रहा है कि किताबें जलाई जा रही हैं तुलसीदास की। मैंने कहा कि सर, साहित्य में किताबें जला करके नहीं, विरोध में, एक किताब के विरोध में दूसरी किताब लिख करके जवाब दिया जाता है, और ऐसा हुआ है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो वो एजेंडा बनाकर बैठे थे। तो मेरे कॉलेज में भी वो इंटरव्यू हुआ और मेरे कॉलेज का इंटरव्यू अच्छा रहा। मतलब मैं तो चाहूंगा कि मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल और उस प्रिंसिपल की ये भी जांच कराई जाए कि किस सांस्कृतिक संगठन का कौन सा प्रभार उसको मिला हुआ है, ये मैं आरोप लगा रहा हूं। और अगर वो किसी एक विचारधारा के हैं तो वो निष्पक्ष कैसे होंगे? बाकी लोग जो उस बोर्ड में बैठे हैं, उन बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने मेरी कौन सी काबिलियत देखी और किस आधार पर मुझे बाहर किया, ये सवाल मेरा है। मेरा सवाल है कि अगर आपने 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू लिया और मेरा एपीआई स्कोर तो 96 है, अगर मुझे बीए और एमए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 80% से ज्यादा नंबर मिले होते तो मेरा 100 out of 100 होता। तो एपीआई स्कोर मैं मानता हूं कि वो केवल इंटरव्यू देने की क्राइटेरिया है। तो इंटरव्यू देने की क्राइटेरिया के बाद क्या उसका कोई मतलब नहीं है? एपीआई स्कोर 96, मुझसे ज्यादा एपीआई स्कोर वाला शायद उस इंटरव्यू बोर्ड में और कोई नहीं था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 14 साल का, 14 साल 14 बैच को हमने पढ़ाया है और हमारे पढ़ाए हुए लोग बहुत जगह पे गए, उनकी डिग्रियां तो फेक नहीं होंगी, उनको तो हमने पढ़ाया है। और आपने 44-45 बार हमें रिन्यूअल दिया है, इसका मतलब हम शिक्षक थे और अच्छे शिक्षक थे, कहीं से शिकायत भी नहीं थी। तो उस एक्सपीरियंस को भी किनारे करके अंतिम निर्णय जब लिया जा रहा है तो अंतिम निर्णय ये लिया जा रहा है कि उनको इल्हाम हुआ है कि इनको नहीं करना है,
क्यों नहीं करना है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर में जो लोग इसे देखें, इस बात को सुने, वो अपने देश के हुक्मरानों से कम एक सवाल तो पूछे कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को अपॉइंट करने की शर्त क्या है, नियम क्या है? उसका नियम अगर उसके पब्लिकेशन को देखना है, उसके रिसर्च वर्क का एग्जामिन करना है, उसके एक्सपीरियंस को देखना है, उसकी मेरिट देखनी है, तो उस मेरिट पे मुझे जवाब दिया जाए कि कहां कमी मेरे थी, सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, मुझे क्यों नहीं करना है, इसकी वजह बताई जाए। इसकी वजह बताई जाए कि मैंने कौन सा दिल्ली विश्वविद्यालय का नियम तोड़ा, और अगर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई नियम तोड़ा तो आज तक विश्वविद्यालय ने मुझे कोई नोटिस क्यों नहीं दिया। मुझे मैंने कॉलेज में अगर विद्यार्थियों को पढ़ने पढ़ाने में कहीं भी कोई कमी थी तो मेरे कॉलेज ने कभी मेरे ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं दिया। फिर अगर ये नोटिसें नहीं थी तो आपने क्यों कहा कि इसको नहीं करना है, ये मेरा सवाल है। और नहीं करने की वजह बताने के बाद अब मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूं, मेरी जगह किसको किया गया है? 96 वाले एपीआई के कैंडिडेट को हटाकर एक ऐसे कैंडिडेट को वहां रखा गया है जिसका एपीआई 50 या 55 है। 14 साल जिसने उस कॉलेज में पढ़ाया उसको वहां से हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जिसने कभी डिग्री कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं, उसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया किसी के नहीं, क्योंकि हम तो समझते थे कि एजुकेशन सिस्टम में मेरिट सब कुछ होती है, फिर जुगाड़ क्या होता है, ये तो हम सवाल पूछना चाहते हैं। आप अगर परमानेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आप हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड देखेंगे ना, और उस एकेडमिक रिकॉर्ड में कौन सी जगह कम थी, और या हमसे किसी बहुत ब्रिलियंट को किया गया तो मैं मान लूं। और ये बात हम पूछेंगे कि हमें निकाले जाने की वजह क्या है, और साफ तौर पर यह बताई जाए। हम जानते हैं कि इन्होंने नियम कायदे कानून ऐसे बनाए हैं कि उनको वजह बताने की जरूरत नहीं, एक पन्ने पर लिख दिया जाएगा कि इस पोस्ट पर इनको किया गया, इस पोस्ट पर इनको किया गया, नीचे सारे लोग साइन करेंगे। अगर कोई असहमत है उस बोर्ड में तो मेजोरिटी से डिसीजन ले लिया जाएगा। तो कम से कम देश में हमें तो पता चले कि हमें निकाले जाने की वजह क्या है, और इसलिए हम ये सवाल पूरे देश के सामने रखना चाहते हैं कि अगर आपके देश के विश्वविद्यालय में बिना मेरिट देखे, बिना किसी तरह की चीज किए, एक विचारधारा के लोगों को भरने का काम किया जाएगा, तो वो मेरा तो एक नौकरी का नुकसान है, ये देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा विश्वविद्यालय खत्म हो रहा है। और हम इसलिए बोलने आए हैं क्योंकि इन्हीं विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय न होता, दिल्ली विश्वविद्यालय न होता, तो हम भी कहीं गाय भैंस चरा रहे होते। इन विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है, संविधान और मंडल कमीशन ने हमें यहां पहुंचाया है, तो हमसे अगर ये नौकरी छीनी जा रही है तो हम तो कल को अपने कमरे में बैठ के पढ़ा लेंगे। और जिस रास्ते ये नौकरी दी जा रही, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या शाखा नहीं लग रही? एक विचारधारा, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज ऐसा नहीं है जहां यज्ञ कराने के बाद गौशाला खोलने की बात की जा रही? वो क्या कोई वैचारिक और कोई विश्वविद्यालय के नियम कानून के बाहर की चीज है कि इस विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे पदाधिकारी नहीं है जो दूसरी जगह भी पदाधिकारी बने हुए, आरएसएस की शाखाओं के पदाधिकारी हैं? विश्वविद्यालय नाम में विश्व जुड़ा हुआ है, ये ग्लोबल नॉलेज के केंद्र थे, यहां हर विचार के लोग अपनी मेरिट के आधार पर आते हैं, और क्या विचारधारा देख करके यहां नौकरी दी जा रही है? ये तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं। और विश्वविद्यालय का कुलपति इसका जवाब दे, मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल और सिलेक्शन कमेटी इसका जवाब दे कि मुझे निकाले जाने की वजह क्या है। अगर वो वजह मुझे वाजिब लगेगी मैं चुप हो जाऊंगा, मैं वापस लौट जाऊंगा, अपने खेत खलियान में काम करूंगा, लेकिन मुझे बताया तो जाए कि मुझसे बेहतर किसी को चुना क्या, और मुझे निकालने की वजह क्या थी। और तीसरी बात, इन विश्वविद्यालयों में ये लड़ाई हमारी या हम एक दो लोगों की नहीं है, इस विश्वविद्यालय में वो लोग भी निकाले गए जो चुप थे। और चेगवेरा की वो लाइन कितनी अहम है कि हमने तो कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो इसलिए खामोश रहे कि बोलेंगे तो मारे जाएंगे, और इसलिए भी वो मारे गए। तो आप हमें तो कह सकते हो कि हम बोलते थे, और फिर भी कह रहा हूं
इसी विश्वविद्यालय के तमाम प्रोफेसर टीवी पर बैठकर जहर बोलते हैं तो उससे विश्वविद्यालय का नुकसान नहीं है, और हम संविधान की बात करते हैं तो हमारा बाहर बोलना हमारे करियर के ऊपर भारी होगा। यह हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमने बाहर कुछ भी गलत बोला तो हमारे खिलाफ एक भी बात क्यों नहीं है? तो यह बहाना बनाया जा रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, यह बताओ तो सही कि मेरिट के नाम पर बाहर निकाला है या विचारधारा देखकर बाहर निकाला है, यह हम सवाल पूछना चाहते हैं। और इसलिए आखिर में इस लड़ाई को, यह निजी लड़ाई नहीं है, यह एक वैचारिक लड़ाई है विश्वविद्यालयों के बचाने की। अगर यह विश्वविद्यालय किसी सरकार के कैडर भरने के अड्डे बन जाएंगे तो विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे, तो उससे ज्यादा नुकसान समाज का होगा, यह देश बर्बाद हो जाएगा। आज जो लोग आरएसएस की विचारधारा के हैं, जो रिटायर होने के मुहाने पर हैं, उनकी नौकरी तो तब लगी होगी जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उनको नौकरी कौन दिया? वो तो दूसरे की सरकार में नौकरी लिए। और आज ये देख रहे हो कि हमारी संघ की शाखा में हमारे तमाम लोगों को वहां पर बिठाया, और जिनको संघ की शाखा में, मैं तो आज भी कर रहा हूं, मेरी जगह जो अपॉइंट हुआ है उसको पता लगाया जाए वो किसी टीचर की पत्नी है क्या? ये मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। वो किसी कैडर की पदाधिकारी है क्या? और अगर किसी कैडर का पदाधिकारी होकर आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं तो संविधान की बात करने वाला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल है, मैं एकेडमिक सवाल पूछ रहा हूं कि एकेडमिकली मेरे अंदर क्या कमी थी, उस इंटरव्यू बोर्ड को क्या दिखा जिसकी वजह से वो मुझे बाहर निकाला गया। और हम इस लड़ाई को, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं, हम जानते हैं कि हम बोलने आए हैं तो इसके बाद फिर कभी मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन इसलिए बोल रहे हैं कि अगली बार इसी देश में रोहित वेमुला को सांस्थानिक हत्या का शिकार होना पड़ा, डॉक्टर पायल तड़वी को शिकार होना पड़ा, इसी देश में 400% जो फीस बढ़ाई गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जो बच्चे आंदोलन के वो जेल में हैं, इस देश में प्रोफेसर हनी बाबू जेल में हैं, तो प्रोफेसर के ऊपर जेल मुकदमा सब कुछ हो रहा है। हम तो फिर भी यहां इतने प्रिविलेज हैं कि यहां आजाद बैठे हैं और अपने लिए लड़ने आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि लड़ाई, आज मैं उन अपने तमाम शिक्षकों का, और दिल्ली विश्वविद्यालय में तो शायद ये बहुत अनूठा है कि मेरे कॉलेज में मेरे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए, वो तो अपने से कर रहे हैं, तो इस बात का जवाब दें कि विद्यार्थी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम इस लड़ाई को, हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम शिक्षकों का, उन शिक्षक संगठनों का, उन विद्यार्थियों का जिन्हें यह दिख गया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस सही के लिए लड़ना होगा। और यही तालीम हमें इन सब अकादमिक संस्थानों ने दी है। हम अब एक डरा हुआ शिक्षक एक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो बाहर निकल करके एक मुर्दा नागरिक बन जाएगा। तो हमें सिखाया गया कि सच बोलना, हमें सिखाया गया कि अपने विद्यार्थियों को तेवर के साथ जिंदा नागरिक पैदा करना, और जब हमारे ऊपर आए तो हम मुर्दा बन जाएं या किसी की शाखा के गुलाम बन जाएं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने बोलना सिखाया है। और ये बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हम इस पूरे लड़ाई को एक आंदोलन की शक्ल देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी तरह जो हजारों लोग इस विश्वविद्यालय से निकाले गए वो भी अपना डर छोड़ें और आए सामने, हम मिलकर के अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, जितने लोग डर गए नुकसान उनका भी हो रहा है, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी आइए, कंधे से कंधा मिलाइए और एक सवाल पूछिए पूरे विश्वविद्यालय से, इस देश के डियर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछिए। और मैं तो खुद कह रहा हूं, वो ओबीसी होने का दावा करते हैं और इस तरह से किसी ओबीसी के खिलाफ क्यों खड़े, वो शिक्षा के खिलाफ क्यों खड़े? और इसलिए हम अपील करेंगे उन तमाम शिक्षकों और देश भर के, पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, हम इस सवाल को कहेंगे कि विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नई शिक्षा नीति के नाम पर अब ठेके पर प्रोफेसर रखे जाएंगे, तो हम नहीं कबूल करते कि हम ठेके पर प्रोफेसर बनेंगे। दावा करोगे विश्वगुरु बनने का और प्रोफेसर को गुलाम बनाओगे, इसका विरोध हम करते रहेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं पूरे देश के नागरिकों को कि आपका सवाल है, हम विश्वविद्यालय के भीतर हैं इसलिए हमें हकीकत पता है, आपको शायद नहीं पता होगी, और जब तक आपको पता चलेगी तब तक ये पूरी तरह ढह चुका होगा, बर्बाद हो चुका होगा। फिर आप ये कहते रहना कि विश्वविद्यालय में गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे अब डीयू जीएनयू नहीं पढ़ पाएंगे, इसके लिए भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इस देश में वंचितों शोषितों के पहली पीढ़ी के हम लोग हैं, हम तो पूरे इलाके में पहले प्रोफेसर बने,
आज तुमने हमें निकाल दिया तो जाने कितने लोग डर जाएंगे कि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा हश्र लक्ष्मण यादव की तरह कर दिया जाएगा। लेकिन हम इसलिए सामने आए कि डरना नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं तो हम डरेंगे नहीं। और आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूं कि इसे एक आंदोलन की शक्ल दिया जाए और इसे शिक्षा बचाने, संविधान बचाने और देश बचाने की शक्ल में रखा जाए। और एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं कि लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, हम पर तुम्हारे जुल्म का जितना उधार है, ताकत तुम्हारे पास अगर है सितमगरों तो हमारे पास भी भारत का संविधान है। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन@gmail.com पर। धन्यवाद।